जेनपैक्ट यानी जनरेटिंग ग्लोबल इम्पैक्ट, जिसने 1997 में 20 एम्प्लॉयज के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज इसके साथ 95,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। 2005 में जेनपैक्ट का रेवेन्यू था $492 मिलियन, जो आज देखते ही देखते करीब $35,000 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, क्या है जेनपैक्ट का बिजनेस मॉडल और क्या काम करती है जेनपैक्ट कंपनी, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में डिटेल्ड केस स्टडी के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धीरू टॉक्स पर। मिस्टर प्रमोद भासिन, जिन्होंने 1997 में 20 एम्प्लॉयज के साथ अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने दिया जनरल इलेक्ट्रिक या GE कैपिटल्स। अपनी बिजनेस प्लानिंग को मेहनत और डेडिकेशन के साथ इंप्लीमेंट करके इन्होंने GE कैपिटल्स को काफी जल्द ही वर्ल्ड की टॉप कंपनियों के साथ लाखड़ा किया, वो भी हाई क्वालिटी एंड इफिशियंसी के साथ। 2005 में इन्होंने GE कैपिटल्स का नाम चेंज करके रखा जेनपैक्ट यानी जनरेटिंग ग्लोबल इंपैक्ट। अब हम जानते हैं जेनपैक्ट कंपनी क्या काम करती है। जेनपैक्ट एक बिजनेस प्रोफेशनल कंपनी है जो कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, यानी ये BPO एंड KPO की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनके कई सारे ऐसे काम होते हैं जो वो खुद नहीं करते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, बैक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क, सेल्स एंड मार्केटिंग आदि, और उनके लिए यह सब काम करके देता है जेनपैक्ट। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए फ्लिपकार्ट, जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है, अगर उसके किसी कस्टमर को कोई क्वेरी है तो वो कॉन्टेक्ट करेगा फ्लिपकार्ट से, लेकिन फ्लिपकार्ट के पास उस कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बिकॉज इसके लिए फ्लिपकार्ट को कस्टमर सपोर्ट के लिए स्टाफ की हायरिंग, उनकी ट्रेनिंग और काफी सारी बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी और ये सब काफी कॉस्टली होगा। और इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड सारा वर्क जेनपैक्ट को दे दिया। अब जेनपैक्ट फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर हैं उनको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे फ्लिपकार्ट की काफी सारी कॉस्ट बच जाएगी। न स्टाफ की हायरिंग का झंझट, ना ही ट्रेनिंग और ना ही अलग से बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और उनको ये सारा काम करके देगा जेनपैक्ट। तो ये है जेनपैक्ट का बिजनेस मॉडल। आज जेनपैक्ट के पास 1000 से भी ज्यादा प्रोसेस अवेलेबल हैं, जिनमें डेटा एंट्री, बैक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट जैसे वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस शामिल है। जेनपैक्ट आज करीब 500 से भी ज्यादा कंपनीज के लिए इन प्रोसेस में वर्क करता है, जिनमें कई सारी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल हैं। आज इनका बिजनेस 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है। दोस्तों, जेनपैक्ट की डिटेल्ड केस स्टडी में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बिजनेस से रिलेटेड इसी तरह की केस स्टडीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नॉलेजेबल वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।